ठीक है जी, डिसाइड ये किया कि आगे तो नहीं जाया जाएगा क्योंकि पानी बहुत है। गाड़ी है 31 GB झंग ब्रांच और इस वक्त टाइम हो रहा है। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस चैनल की फर्स्ट वीडियो, तो सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं। आज हम अमीपुर जा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि पापा के दोस्त रहते हैं वहाँ पे, वो दरिया चनाब के पास कोई गाँव है, वहाँ सैलाब आया था तो वो वहाँ जा रहे थे। तो उनका पापा को फोन आया तो पापा ने कहा कि हम भी आपके साथ चलते हैं। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो वीडियो बन जाएगी, चलते हैं। तो अब हम पहले अमीपुर जाके उनको पिक करेंगे, फिर उनके वो आगे हमें बताएंगे कि कहाँ जाना है। तो बस अब हम अमीपुर के लिए निकल पड़े हैं, तो मैं आपको जाके मिलता हूँ उनके गाँव में। आजा जी, छीना साहब के गांव आ गए हैं। ये 31 GB है, 31 GB झंग ब्रांच और इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 12:30। और जो ये अमीपुर एरिया है, ये 31 चक है, इसकी ज़मीन के अंदर ये सारा है। तो बस अब छीना साहब को लेते हैं और आगे उनसे पूछते हैं कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। ये जी, हम इस वक्त अमीपुर मेन जो बाज़ार कह लें या मेन अमीपुर कह लें, इसमें से गुजरे। अमीपुर जो है बेसिकली वो एक टाउन है जो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, पर जो इसकी बाउंड्रीज है वो चनेट के साथ जाके मिलती हैं। आगे एक नहर आएगी, वो हम जैसे क्रॉस कर लेंगे तो हम चनेट में एंटर हो जाएंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी आगे जाके। ओके जी, सीन ये कि जो मेरे लेफ्ट हैंड पर रास्ता है ये सीधा 2-3 गांव से होता है पैंसरा चला जाएगा, ये राइट पे जो है ये वापस अमीपुर को जा रहा है। और वो आपको सामने नहर नज़र आ रही होगी, अब ये नहर से ऊपर ये पुल है, हम ये पुल जैसे ही क्रॉस करेंगे तो हम एक तरह से चनेट में एंटर हो जाएंगे। अभी हम पुल पर चढ़ गए हैं, जैसे ये पुल एंड होगा हम चनेट में एंटर हो जाएंगे। ये अमीपुर टाउन बेसिकली इस तरह ही है कि ये फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, पर जो इसकी ये बाउंड्रीज हैं ये चनेट में जा कर टच होती हैं। और छीना साहब अभी बता रहे थे कि जो ये अमीपुर है ये फैसलाबाद बनने से पहले ही बना हुआ है। अमीपुर बंगला जो है ये फैसलाबाद बनने से पहले यहाँ पे बना हुआ था। अमीपुर बंगला अभी भी है, वहाँ पे कोई सरकारी अफसर बैठता है। ये हम जा किधर रहे हैं? ऐसे जी पुआने जा रहे हैं। अच्छा जी, पुआने तो फिर अभी जावांगे चंग रोड पे। जी ठीक है, आगे आएगा खीवा स्टॉप। अच्छा, वो तो सी अंदर बढ़ जावांगे दरिया वाली साइड पे। अच्छा, उसका नाम है खरौड़ा बाकर। अच्छा, दरिया चनाब। दरिया चनाब। अच्छा, उतों की जेड़ी भी कोई हालात हो जो कोई मालूम आ तो चले वो फिर तुम दिखाना। चले चले ठीक हो। ओके जी, सीन ये है कि यहाँ से आगे लग रहा है कि नहीं जाया जाएगा क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। पहले हमारे पास जीप दूसरी थी तो वो तो एक दफ़ा यहाँ से ले गए थे, पर ये जीप यहाँ से नहीं गुजरेगी क्योंकि सेंटर में जाके पानी काफ़ी ज़्यादा और ये अभी आया है पानी। तो अब देखते हैं क्या करना है, आगे जाना है या वापस जाना है। एक ऑप्शन है कि गाड़ी यहाँ के साइड पर लगा के तो पैदल चले जाएँ, पर सफ़र बहुत ज़्यादा है आगे वाला और फिर वापसी आते हुए हमें रात हो जाएगी। तो देखते हैं क्या करना है, ये सामने पानी बहुत ज़्यादा, वरना हमने जीप को साथ नहीं थी। ये पानी कम से कम 5 फुट है, अगर 5 फुट से थोड़ा कम होता ना तो फिर हमने जीप ले जानी थी। ये सीन है जी, ये गधा गाड़ी जो है ये गुजर जाएगी क्योंकि ये थोड़ी सी अगर उठ भी जाए पानी में तो वो जो गधा है वो उसको ये लगा के ले जाते हैं। और ये इस तरह लोग ट्राली में और इस तरह जा रहे हैं, ये पानी यहाँ से थोड़ा कम है, सेंटर में जाके तकरीबन ये 5 फुट के करीब है, 4.5-5 फुट के करीब है। और ये सारी फसलें हैं ये भी पानी ने ख़राब कर दी है, गन्ना लगा हुआ इसमें पानी खड़ा हो गया, तो एक तरह से ये जो फसल है ये फारिक हो गई है। तो ये हालात है, आगे इससे भी बुरा था, दरिया के बिल्कुल ऊपर जाना था हमने, पर अब ये पानी यहाँ से नहीं गुजरा जाएगा तो फिर वापस चलते हैं। ठीक है जी, डिसाइड ये किया कि आगे तो नहीं जाया जाएगा क्योंकि पानी बहुत है। गाड़ी जो है वो नहीं, ये दूसरी जीप जो पहले जीप एक दफ़ा ले गए थे उसकी मैं वीडियो अटैच कर दूंगा। वो अगस्त 2019 की वीडियो है, वालिद साहब और छीना साहब सेम जगह से, ये हमारे पास 92 मॉडल प्राडो होती थी तो ये ले गए थे। ये डीजल थी, इसमें इतना मसला नहीं था। और ये इतना पानी आगे देखेगा कि इसके बोनट से ऊपर ऊपर पानी था और अंदर भी पानी आ जाएगा। ਦੇਖ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਤੇਰਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਜੀ ਪਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਬਤੇਰਾ ਉਹੀ ਆ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਘਟਣਾ ਹੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਨਾ ਜਿਆਦਾ ਗੱਡੀ
तो ये इसके इंजन से ऊपर ऊपर पानी है तो रिस्क नहीं ले रहे, तो बस अब चलते हैं वापस, फिर किसी दिन आ जाएंगे यहाँ पे। जी घर आ गए हैं और इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 4:42, मौसम कुछ इस तरह का हुआ है। कोशिश तो की थी कि अपने तरफ से कुछ डिफरेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सैलाब आया हुआ था, तो सोचा था कि उसको देखते हैं जाके, दूसरा इनके को वाकिफ़ है वहाँ पे, उनसे भी मिल लेंगे, पूछ लेंगे कि किस तरह के हालात है, पर वो पानी की वजह से आगे जा नहीं सके, तो फिर किसी दिन जाके वहाँ देख लेंगे। बाकी ये था आज का व्लॉग, आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ड्राइव सेफ, ड्राइव इन स्टाइल विद ड्राइवर स्टॉप। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।